आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बेड़ा गर्क हो गया है। पिछली सदी के मध्य में मुंबई में आपराधिक कृतियों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा था। ये इतने व्यवस्थित और संगठित तरीके से चलता था कि आम पब्लिक और पुलिस परेशान होती थी। हाजिम अस्तान और करीम लाला ने मिलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की जो नींव रखी उसे आगे चलकर दाऊद इब्राहिम और छोटा राजा ने संभाला। अपराध की काली दुनिया में मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम बदनुमा दाग की तरह नजर आने लगा। लेकिन सरकार की विल पावर और बदलते वक्त के साथ पुलिस के काम करने का तरीका लोगों को अपराध की इस काली दुनिया से निकालकर सुरक्षा के स्वतंत्र दायरे में ले आया। आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ नहीं है और लोग अपनी मर्जी से बिंदास जिंदगी जीते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, हम बताएंगे आपको मुंबई के अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया की सारी सच्चाई। दोस्तों, मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और इसके अलावा बॉलीवुड भी इसकी पहचान बना हुआ है। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया और इसका अट्रैक्शन यहाँ दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। वहीं अपराध का काला साया मायानगरी पर हमेशा मंडराता रहता है। एक समय था जब मुंबई पुलिस हर दिन कम से कम 30 एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट दर्ज करती थी, लेकिन साल 2016 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंतर्गत मुंबई के पुलिस ने 5 केस रजिस्टर्ड किए, जिनमें से 2 अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड रहे। इसी साल इसी एक्ट में मुंबई पुलिस ने 41 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से केवल 4 लोगों का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ मिला। इन घटनाओं से कई बातें सामने आती है, या तो अंडरवर्ल्ड का मुंबई में इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर अंडरवर्ल्ड की काम करने की शैली बदल गई है, या फिर पुलिस की सख्ती का असर है। इसके अलावा एक बात और सामने आती है, पॉलिटिकल विल पावर ने अंडरवर्ल्ड की रूट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। आजादी के एक दशक पहले से मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी शुरू होती है। 1940 में छोटी मोटी स्मगलिंग से शुरू हुआ अंडरवर्ल्ड बेसिकली 3 डॉन के हाथों ऑपरेट होता था। उनमें सबसे पहला नाम गैंगस्टर वरदराजन मुदलियार का था। ये साउथ इंडिया से आए थे। इसे वरदा भाई के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु से आने के बाद इसने सबसे पहले मुंबई पोर्ट में कुली के तौर पर काम किया और वहीं से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री शुरू हुई। यहाँ इसकी शुरुआत शराब के अवैध कारोबार से हुई और आगे चलकर हाजिम अस्तान के साथ मिलकर मुंबई टॉप में कार्गो चलाने का काम करने लगा। धीरे धीरे ये नार्कोटिक्स ट्रेस में आकर काम करने लगा। अंडरवर्ल्ड का दूसरा खिलाड़ी अफगानिस्तान के पश्तो ट्राइब से संबंध रखने वाला करीम लाला और ये और उसकी फैमिली अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस से आए थे। उस समय करीम लाला और उसकी फैमिली मेंबर्स को अफगान माफिया या पठान माफिया के नाम से जाना जाता था। ये बेसिकली मुंबई बंदरगाह के आसपास अपना काला कारोबार किया करते थे, जिनमें हशीश और सोने की स्मगलिंग, जुए का अवैध कारोबार, प्रोडक्शन रैकेट, एक्सटोर्शन जैसे काम हुआ करते थे। इन दोनों के साथ काली दुनिया का एक और बेताज बादशाह था। तीसरा था हाजिम अस्तान, जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक गांव में साल 1926 में पैदा हुआ। ये अपने पिता के साथ 8 साल की उम्र में मुंबई आ गया था। शुरू शुरू में हाजिम अस्तान ने मुंबई के क्राफ्ट मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम किया। आगे चलकर ये मुंबई पोर्ट में कुली का काम करने लगा। यहीं से इसकी जिंदगी ने क्राइम के रास्ते पर चलना शुरू किया। मुंबई का बड़ा गैंगस्टर बन गया। ये पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसकी इमेज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। इसका असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। इसमें करीम लाला के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्मगलिंग से लाखों रुपए बनाए। इसने अपने पैसों को फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पैसे दिया करता था। इन तीनों के काले कारनामों का ऑपरेटिंग सेंटर था मुंबई डॉक्स, मुंबई का पोर्ट, जहां बड़े पैमाने पर विदेशी माल मार्केट में आता था और फिर यहां से दूसरे बाजार और आसपास के लोकल मार्केट्स में बड़े महंगे दामों में बिकता था। लेकिन 1980 के बाद इन तीनों की बादशाहत अंडरवर्ल्ड में कम होने लगी, क्योंकि इनको चुनौती देने के लिए मुंबई में दाऊद इब्राहिम कास्कर का उदय हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कोंकण परिवार में दाऊद इब्राहिम का जन्म दिसंबर 1955 में हुआ। इनके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद का पूरा बचपन मध्य मुंबई की डोंगरी गली में बीता। दाऊद जब 19 साल का था तो उस समय वह अपना गैंग चलाता था और उसके गैंग के लड़कों को हाजिम अस्तान ने करीम लाला के लड़कों से पिटवा दिया और दाऊद ने इसका बदला लेने की ठानी। इस तरह उसने हाजिम अस्तान से दुश्मनी की शुरुआत की। दाऊद ने बदला लेने के लिए हाजिम अस्तान के पैसे लूटने की योजना बनाई, लेकिन गलतफहमी की वजह से वो समय के मेट्रोपॉलिटन बैंक का पैसा लूटकर भाग गया। पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को पकड़ा तो सही, लेकिन वो दाऊद की ताकत हिम्मत को अपने एम तक इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने इन तीनों बड़े गैंगस्टर की गैंग को खत्म करने के लिए दाऊद का इस्तेमाल किया। इसके अलावा दूसरे और भी अपराधी थे जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काम करते थे। इनमें एक था राजन नायर, जिसे बड़ा राजन के नाम से जाना जाता था।
और इसका एक शागिर्द इसके मरने के बाद इसके कारोबार को संभालने लगा, जिसका नाम था छोटा राजन। दाऊद के साथ भी काम करने लगा। साल 1988 में दाऊद के साथ ये भी मुंबई छोड़कर चला गया, लेकिन बाद में दाऊद की गैंग में अपने कम होते रसूख को देखकर इसने उसे छोड़ दिया और अपना गैंग अलग चलाने लगा। इसके अलावा इस दुनिया का एक और जाना माना नाम था अरुण गवली, जो परेल और भाई खला के क्षेत्र में फेमस था। शुरुआत में यहाँ के टेक्सटाइल मिल में काम किया करता था। बाद में ये रामा नायर और बाबू रेशम के साथ मिलकर एक जॉइंट गैंग चलाने लगा। इसका नाम बायखुला कंपनी था, जिस एरिया में शराब का अवैध कारोबार किया करती थी। इसी इलाके की दगड़ी चाल अरुण गवली का गढ़ हुआ करती थी। ये वो समय था जब ये तमाम गैंग आपस में खून खराबे से दूर थी। हफ्ता वसूली, मटका, स्मगलिंग और अवैध शराब के कारोबार से अच्छी खासी कमाई होती थी। ये तमाम धंधे बड़ी सिक्योर तरीके से चलाए जाते थे, जिसमें पुलिस को उसकी निश्चित रकम तय समय पर पहुंचा दी जाती थी। उस समय महाराष्ट्र में शराब खरीदना बेचना भी इलीगल था। महात्मा गांधी शराब के सेवन के खिलाफ थे, इसलिए उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए 1939 में मुंबई प्रोविंस की कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुंबई में शराब को बैन कर दिया। यहाँ तक कि कफ सिरप में भी प्रतिबंध था। इसके बाद 1949 में उस समय के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने मुंबई प्रोविंस में शराब को प्रतिबंधित कर दिया। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट में हुआ करते थे। ये वजह थी कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में शराब की अवैध बिक्री का कारोबार अच्छा मुनाफा देता था। यहाँ शराब के दाम भी आसमान छूते थे। शराब की ब्लैक मार्केटिंग भी की जाती थी। इस बिजनेस में शराब बनाने से लेकर गिलास में शराब परोसने तक हर कोई जबरदस्त मुनाफा काट रहा था। इसके अलावा जुआ, इलीगल गैम्बलिंग जिसे मटका कहते हैं, भी अंडरवर्ल्ड के लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। आजादी के बाद सरकार ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से कई तरह के सामान के इंपोर्ट पर या तो टोटली बैन लगा दिया या उन पर अच्छा खासा वसूला जाता था कर। कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में मंगाया जा सकता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड इन तमाम चीजों को इलीगल तरीके से मार्केट में सर्कुलेट करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रेडियो, घड़ी वगैरह के साथ परफ्यूम के भी लोगों में अच्छी खासी डिमांड हो गई। मुंबई में बड़े पैमाने पर इन लीगल तरीके से ऐसे वेयर हाउस मौजूद थे जहां तमाम प्रतिबंधित सामग्रियां स्टोर करके रखी जाती थी। आजादी के बाद के और 3 दशक यानी कुल 40 सालों तक इन तीनों ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर एक छत्र राज किया। इन सबके साथ अपनी अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट भी किया। यही वजह था कि इनके अपने लोगों में इनका अच्छा खासा प्रभाव था। इसके अलावा चुनावों के टाइम पर ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशियों को पैसों से सपोर्ट किया करते थे और इनकी वजह से इनकी कम्युनिटी के वोट भी नेताओं के लिए कंसोलिडेट हो जाते थे। इसकी वजह से इन सभी डॉन के ऊपर राजनीतिक दलों का हाथ था। ये सरकारी मशीनरी से सिक्योर रहते थे। हर गवर्नमेंट ऑफिसर के इलाके में इस तरह के कारोबार होते थे और उन अधिकारियों को उनका हिस्सा समय पर पहुंच जाया करता था। अंडरवर्ल्ड का धंधा इतना बड़ा हो गया था कि उसने गवर्नमेंट के पैरेलल एक सेपरेट इकोनॉमी डेवलप कर दी थी। पुलिस के कर्मचारी का बेटा होने की वजह से डिपार्टमेंट में दाऊद इब्राहिम की अच्छी खासी बैठ थी, जिसकी वजह से वो अपने सारे कारनामे अच्छे से अंजाम दिया करता था। अरुण गवली की पहचान राजनेताओं के साथ थी, इसलिए वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगा। फॉरेन गुड्स पर बैन या कंट्रोल रखने की वजह से देश की इकोनॉमी सफर करने लगी। 1990 आते आते सरकार ने अपना डिसीजन बदल दिया। अब फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पर बैन हट गया। विदेशी सामान मंगाना और खरीदना ना केवल इजी हो गया बल्कि सस्ता भी हो गया। और ये सब इजी हुआ 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की। इस पॉलिसी की वजह से अंडरवर्ल्ड के लिए इन चीजों को स्मगलिंग करके उन्हें बेचने का स्कोप ही खत्म हो गया। इसके बाद अवैध शराब का कारोबार भी अंडरवर्ल्ड के लिए घाटे का सौदा हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग होने पर महाराष्ट्र में शराब की बिक्री आधिकारिक रूप से होने लगी। इस प्रकार अंडरवर्ल्ड की इनकम का एक और सोर्स खत्म हो गया। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जब अंडरवर्ल्ड अपनी कमाई के लिए अब किडनैपिंग, अवैध वसूली और हत्या जैसे काम करने लगा, इसकी वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज होने वाले मुकदमों की बाढ़ आ गई। जहां एक और भ्रष्ट पुलिस अफसर और नेता अंडरवर्ल्ड से सपोर्ट लेते थे और पैसा कमाते थे, वहीं अब ये अंडरवर्ल्ड पुलिस का सिरदर्द बन गया। बिजनेसमैन, बिल्डर और बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के स्पेशल टारगेट पर थे। साल 1997 में टी सीरीज कैसेट के मालिक गुलशन कुमार की जब एक्सट्रोशन के लिए हत्या हुई, तो इसने पुलिस और सरकार की नींद हराम कर दी। अब अंडरवर्ल्ड की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड में धर्म के आधार पर भेदभाव भी देखा जाने लगा, जो कि पहले नहीं था।
और इसका एक एग्जांपल था छोटा राजन, जिसने नेशनल इंटरेस्ट और अपने रिलीजियस डिफरेंस इसकी वजह से ही कंपनी को छोड़ दिया। वहीं दाऊद इब्राहिम का झुकाव अपनी धर्म की तरफ हुआ, उसने ISI और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद पूरे देश में दंगे हुए और उसमें मुंबई के दंगे लगभग महीने भर चले। दाऊद इब्राहिम को लगता था कि इसकी वजह से मुंबई में रहने वाले मुसलमानों को काफी दिक्कत हुई, इसलिए उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ISI की मदद से याकूब मेमन, टाइगर मेमन और दूसरे लोगों के सपोर्ट से मुंबई ब्लास्ट की प्लानिंग की। 12 मार्च 1993 में मुंबई में जबरदस्त सीरियल ब्लास्ट हुए, इसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस और सरकार की जड़ें हिल गई। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लिया और धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के रूट्स को काटना शुरू किया। जिस दाऊद इब्राहिम को कभी मुंबई के कुछ एरिया में मसीहा माना जाता था, अब वो आतंकवादी और देशद्रोही की तरह देखा जाने लगा। जो अंडरवर्ल्ड कभी नेताओं को चुनाव के दौरान पैसे और वोट बैंक से सपोर्ट करता था, अब वो बात नहीं रही, इसलिए अंडरवर्ल्ड के लोग पुलिस के द्वारा कुत्ते की मौत मारे जाने लगे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पुलिस अफसरों की पॉपुलर टीम आने लगी। इसमें दया नायक, सचिन वाजे, विजय सलास्कर, असलम मोमिन, प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोंसले, संजय कदम जैसे जाबाज पुलिस अफसरों ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ के रख दी। इनमें से कुछ पुलिस ऑफिसर 1983 बैच के ट्रेंड ऑफिसर थे, जिन्हें बेस्ट ट्रेनर माने जाने वाले एक्स DG ऑफ पुलिस अरविंद इनामदार ने नासिक पुलिस अकेडमी में ट्रेंड किया था। एनकाउंटर की शुरुआत 1982 में राजा तंबट और इसाक बागवान के द्वारा की गई, जिन्होंने उस जमाने के गैंगस्टर मान्या सुर्वे को एनकाउंटर में मार गिराया। साल 1991 में दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा झटका लगा जब पुलिस अफसर आफताब अहमद खान ने उसके खास आदमी माया डोलास को एनकाउंटर में मार दिया। मुंबई पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने साल 2004-05 तक मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया। इस दौरान लगभग 500 क्रिमिनल स्कोर एनकाउंटर में मार दिए गए। हालांकि आज भी दाऊद इब्राहिम को पकड़ा नहीं गया। रवि पुजारा और एजाज लकड़ावाला जैसे लोग अंडरवर्ल्ड के नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी हैसियत अब मुंबई पुलिस के आगे कुछ नहीं है। पॉलिटिकल विल पावर और पब्लिक का सपोर्ट हो तो पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा देशभक्ति और जनसेवा के मोटो को ध्यान में रखकर काम करता रहता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।